आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति के सभी दर्शकों को वर्ल्ड हार्ट डे की ढेरों शुभकामनाएं। पूरी दुनिया में हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की शुरुआत हुई। ये एक वैश्विक अभियान है जिसके माध्यम से लोगों को ये बताया जाता है कि हृदय रोग CVD से कैसे बचा जा सकता है। ये वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है? इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हृदय रोग, इसकी रोकथाम और दुनिया भर के लोगों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हृदय रोग और स्ट्रोक सहित CVD हर साल 17.9 मिलियन लोगों के जीवन का दावा करता है। इस तथ्य को देखते हुए यह दिन उन कार्यों पर प्रकाश डालता है जो व्यक्ति CVD को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। यह दिवस हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के नाम से मनाया जाता है। आज 29 सितंबर शहर के जाने माने डॉक्टर्स ने इस हार्ट डे के मौके पर हमारे लिए कुछ संदेश दिया है। आरोग्य जागृति में आज हम उन्हीं से मिलेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे के हिसाब से एक ही सलाह मैं देना चाहूंगा कि आजकल हार्ट का जो बीमारी है वो काफी बढ़ गया है, खास करके यंग लोगों में, क्योंकि यंग लोगों को ऐसा लगता है कि अपने को ये बीमारी हो नहीं सकती, लेकिन ये बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंज बोलो, हैबिट्स बोलो, स्मोकिंग बोलो और लाइफस्टाइल चेंजेस बोलो, ये बीमारी आप देख रहे होंगे काफ़ी सेलिब्रिटीज है, काफ़ी यंग पेशेंट्स है, आप देख रहे हैं कि सडन हार्ट अटैक से इनका देहांत हो गया या इनको कुछ सीरियस होना पड़ा। सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। इसमें एक ही कहना है कि यंग लोगों के लिए जो उनको सिम्टम्स आते हैं, दर्द है चेस्ट में, तो उसको क्लियर करा लो। ऐसा नहीं समझो कि एसिडिटी का दर्द है या फिर सादा वाला है, तो डॉक्टर के पास जाके उसको क्लियर कराना कि नहीं ये हार्ट तो नहीं है, क्योंकि यंग पेशेंट को काफ़ी हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। और यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि ये अगर अपन प्रिवेंट करते हैं तो काफ़ी सारे मॉर्टेलिटी जो है और काफ़ी सारे सीरियस पेशेंट अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर यूनाइटेड सिग्मा एंड सिग्मा ग्रुप की तरफ से आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा, और आप सभी का हार्ट का जो योगदान है और हार्ट की जो आपकी सेहत है वो अच्छी रहे, और हार्ट के वजह से और कोई किसी की भी वजह से, कौन से भी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो, यही भगवान के पास हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी, डिप्यूटी डीन एंड प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, MGM हॉस्पिटल। आज जागतिक हृदय दिन दिवस आहे आणि जगामध्ये त्यातल्या त्यात इंडियामध्ये हृदयाचे आजार खूप झपाट्याने वाढत आहेत। यामागील सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे मानसिक तणाव, तुम्ही जे अन्न खाताय त्याच्याबद्दल जास्त जागरूकता नसणे आणि योग्य वेळी डॉक्टरांचा सल्ला न घेणे, या तिन्ही कारणामुळे आरोग्याचे आजार वाढत चालले आहेत आणि त्या दृष्टीने होणारे मृत्यूचं प्रमाण सुद्धा वाढत आहे। हार्ट डिझीज इज नाव सेकंड मोस्ट किलर डिझीज इन द वर्ल्ड, त्यामुळं आपण त्याबद्दल जागरूक होणं आणि त्या दृष्टीने योग्य ते पावलं उचलणं या दिवसानिमित्त फार गरजेचं ठरणार आहे। तरी तुम्हा सर्वांना या जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा आणि पुढील वाटचाल तुमची आरोग्यदायी अशी शुभेच्छा। मी डॉक्टर आशिष देशपांडे, हृदयरोग तज्ञ, ओरिओन सिटी केअर हॉस्पिटल औरंगाबाद। मी सगळ्यांना हृदयरोग दिनानिमित्त शुभेच्छा देऊ इच्छितो आणि एक आवाहन करू इच्छितो की प्रत्येकाने आपल्या हृदयाची काळजी घ्या, आपल्या तब्येतीची काळजी घ्या, आपला आहार समतोल ठेवा, व्यायाम रेग्युलर नियमितपणे करा, व्यसनमुक्त व्हा, जेणेकरून की आपलं हृदय आणि आपलं पूर्ण स्वास्थ्य एकदम निरोगी राहील। हॅलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बेला कुलकर योगेश, मैं हार्ट सर्जन हूँ, कार्डियक सर्जन हूँ, और यही यूनिफॉर्म पहन के मैं रोजाना दिन में 2 ऑपरेशंस कम से कम होते ही है, तो पिछले कई सालों से 7,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस मेरे जरिए हुए हैं, करने वालों की है। कल वर्ल्ड हार्ट डे है 29 सितंबर, सो वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सबकी तबीयत अच्छी रहे।
ये वर्ल्ड हार्ट डे का मैसेज है फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, मतलब दिल से चीजें करनी है आपके दिल को अच्छा रखने के लिए। सो दिल से चीजें, पहले मैं दो अल्फाज सिर्फ प्रिवेंशन मतलब ये बीमारी ना हो इसके बारे में बताऊंगा और फिर बाईपास के बारे में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। सो दिल से आपको तय करना है जो भी बुरी चीजें आपके दिल पे असर करती है उससे आपको परे रहना है। ओके, बाकी चीजें तो हम सब जानते हैं, मोर और लेस हमको मालूम है, शुगर की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, आदतें होती है खाने की, वर्जिशें कम होती है। पर अब मैं इस बार डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी लत अगर इंसानियत को लगी है तो वो है खाने की लत। अब तक हम सिर्फ खाना जिंदा रहने के लिए और हमारे काम चालू रखने के लिए खाना खा रहे थे, पर पिछले कई सालों से ऐसे हुआ है कि हम हर रोज इस तरह खा रहे हैं कि कल खाना ना हो, और ये बहुत बुरा है। तो ये खाने की लत इंसानियत को लगी है और इसकी वजह से बीमारी बहुत जल्द जल्द कम उम्र में बढ़ती जा रही है। तो पहली चीज, कल का मैसेज, अगर सबसे पहला मैसेज मैंने आपको देना है कि आप खाने पे कंट्रोल रखिएगा। ये 2.5 इंच वाली खिड़की है, इसको काबू में रखिएगा, खाने पे कंट्रोल रखो, वर्जिशें करो, आगे कचूड़ आपको कोई तकलीफ नहीं। और ये पकड़ के चलो, अब इनका बाईपास हुआ है, इनकी वजह अगर मैं बोल रहा हूं कि ये खाने की वजह से, तो आपको खाना ना सिर्फ इनका संवारना है, खुद का भी संवारना है, ताकि उन्हें और कोई आगे ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। सो खाना, वर्जिशें, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं देना, काम की चीजें जैसे काम में सपोर्ट करना और गोलियां दवाइयों लाके देना, उसमें सपोर्ट करना, ये चीजें बहुत जरूरी होती है पेशेंट के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिकवरी। डॉक्टर अंडवाल, हृदय हार्ट केयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद की तरफ से सभी दर्शकों को हार्ट डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस हार्ट डे, ये एक दिन की बात नहीं है, हार्ट है तो लाइफ है, सो हार्ट ऑन तो लाइफ ऑन। सो हार्ट की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हार्ट डे के दिन नहीं है, बट पूरे साल रहती है। सो हार्ट डे के लिए मैं इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं एज एन ओन कॉमन मैन, हम क्या क्या करना चाहिए। हार्ट की बीमारियाँ, जो हृदय की नसों में ब्लॉकेज होता है, ये दो मेन फैक्टर्स इन्वॉल्व है इस चीज़ में। एक जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री। सो फैमिली हिस्ट्री यानी आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन, किसी को भी हार्ट का यदि प्रॉब्लम होके गया है, उनको अटैक आके गया है, उनका एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास कुछ भी हुआ है, तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना 50% होती है, 50%। सेकंड, डायबिटीज का हिस्ट्री है तो आपको 40 इयर्स प्लस एवरी ईयर ट्रेडमिल टेस्ट करना जरूरी है। ये डायबिटीज के पेशेंट में भी चांसेस हैं कि आपको 50% चांसेस रहता है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, यदि वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। ये आपको डायबिटीज है तो आपको एवरी 3 मंथली HbA1c ये टेस्ट करना जरूरी है, फास्टिंग और पोस्ट में, यानी खाने के पहले, खाने के बाद ये टेस्ट, नॉर्मल रहने के बाद भी यदि HbA1c यहाँ है, यानी अंदर HbA1c 7 के ऊपर आता है, तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के तरफ जाता है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज बहुत ज्यादा हानिकारक है, शरीर के बाकी सारे अंगों के लिए हानिकारक है लेकिन हार्ट के लिए ज्यादा। डायबिटीज के पेशेंट पे मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज डायबिटीज में नर्व डैमेज हो जाता है, आपको यदि चेस्ट पेन हो रहा होगा तो आपको उस चीज का सेंसेशन ही नहीं होता है, तो जो माइल्ड अटैक आके गया, कभी हम जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको माइल्ड अटैक आके गया होगा, सो माइल्ड अटैक का मतलब आपको पहले कभी चेस्ट पेन होके गया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो वो दिन में रह सकता है या रात में सोते सकता है। सो एवरी ईयरली ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, ये टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स। सो एक 10 मिनट यदि हमने साल में से निकाल लिए तो अपनी फैमिली और आप
दोनों डिस्ट्रेस हो जाएंगे कि भाई मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन वर्क विथ वॉट एवर स्पीड आई वॉज वर्किंग। सो एक एनुअल स्ट्रेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मॉर्निंग वॉक, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं, लेकिन कंपेयर दोनों का यदि कंपेयर किया जाए, स्टडीज देखी जाती है, जो संशोधन हुआ है उसमें ये बताया गया है कि भाई मॉर्निंग वॉक से हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहता है। तो हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहने के लिए आपको मॉर्निंग का 40 मिनट्स का वॉक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मनपूर्वक शुभेच्छा देऊ इच्छिते आणि आपला हृदय उत्तम राहावा हीच हृदय हॉस्पिटलची इच्छा। मैं डॉक्टर मिलिंद खर्चे, मैं यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल औरंगाबाद यहाँ पे चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट करके कार्यरत हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में, जिसे हम जागतिक हृदय रोग दिवस भी बोलते हैं या उसे मनाते हैं, तो कोई भी दिवस या डे मनाने का कोई रीजन होता है, उसकी कोई वजह होती है। तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की जो वजह है वो ये है कि हमें आम जनता के मन में या उनको हृदय रोग के बारे में जागरूक बनाना है। और ये क्यों जरूरत है, क्योंकि जब तक इसके बारे में उनमें जागरूकता नहीं आएगी, हम उसे पूरी तरह रोक नहीं पाएंगे। तो अगर सब लोग हृदय रोग के बारे में जानेंगे, उनकी वजह जानेंगे, तो हम उसे रोकने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। तो ये हृदय रोग या हार्ट अटैक, ये क्या होता है? नॉर्मली जैसे शरीर के हर ऑर्गन को ब्लड की जरूरत होती है, वैसे हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है। और हार्ट को जो खून की नलियां ब्लड पहुंचाती है, अगर उनमें अचानक से कुछ ब्लॉक आ जाता है और कोई एक एरिया का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजह होती है। एक वजह आपने सुनी होगी कि कोलेस्ट्रॉल, तो ये एक वजह हुई। ब्लॉक आने का एक कारण कोलेस्ट्रॉल है, इसी उसकी कई कारण है, कई वजह है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आदतें, या जिसे हम एडिक्शन कहते हैं। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंस मैं दूंगा तंबाकू या टोबैको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वजह है अपने देश में, अपनी कंट्री में, और खास करके यंग लोगों में, यूथ्स में। सो मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन न करें, ये हृदय रोग को न्योता देने जैसा है। तो इस जागतिक हृदय रोग दिवस पर मैं आप सब लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि हृदय रोग के बारे में जाने, पढ़े। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कतें आती है तो आप जो तज्ञ डॉक्टर से उनकी सलाह लें, और अगर आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स या जिस जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई देती हैं, तो उसको समय पर ही टैकल करें और हृदय रोग से बचें। डॉक्टर सुमित चंद्र पाटील मेडिकल रुग्णालयामध्ये हृदय रोग तज्ञ म्हणून कार्यरत आहे। 29 सप्टेंबर म्हणजेच जागतिक हृदय रोग दिनानिमित्त आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन नावाची संस्था ही गेल्या अनेक वर्षापासून 29 सप्टेंबरला वर्ल्ड हार्ट डे साजरा करत असते। हा दिवस साजरा करण्यामागचं कारण आहे की हृदयरोगासंबंधीची जास्तीत जास्त शास्त्रोक्त माहिती, म्हणजे सायंटिफिक इन्फॉर्मेशन, जनमानसामध्ये शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचावी, आणि जेणेकरून ह्या माहितीचा वापर झाल्यामुळे जे हृदयरोगामुळे मृत्यूचं प्रमाण वाढलंय ते मृत्यूचं प्रमाण कमी व्हावं, हा या उद्देश या दिवस साजरा करण्यामागे आहे। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन हे गेल्या 2-3 वर्षाचा डाटा नेहमी प्रसिद्ध करत असतं। तर गेल्या काही वर्षांमध्ये हृदयरोगाच्या आजारामध्ये बऱ्याच प्रमाणात वाढ झालेली आहे। जर आपला भारतीय डाटा आपण बघायचा झाला तर इंडियन हार्ट असोसिएशन नावाची जी संस्था आहे त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या डेटाप्रमाणे भारतामध्ये होणारे जे हार्ट अटॅक आहेत त्यामधले 50% हार्ट अटॅक हे 50 वर्षाच्या आत होतात, आणि उरलेले म्हणजे त्या 50% 25% हार्ट अटॅक हे 40 वर्षाच्या आत होतात। यावरून आपल्याला लक्षात येऊ शकतं की वयाचं आता कुठलं बंधन राहिलेलं नाही। आपण नेहमी बघतो कुठला अभिनेता, कुठला नेता, कुठला कॉमेडी कलाकार, असे बरेच जण, कुठला सिंगर, हे सगळेजण कमी वयामध्ये बऱ्याच वेळेला हार्ट अटॅकनी शिकार झालेले आहेत आणि दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू सुद्धा झालेला आहे यामध्ये।
तर ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल जनमानसामध्ये जास्तीत जास्त जागरूकता यावी, जास्तीत जास्त त्याबद्दल माहिती समजावी, हा वर्ल्ड हार्ट डे मनवण्यामागचं एक मुख्य कारण असतं. धूम्रपान किंवा तंबाखू, कुठल्याही फॉर्म मधला तंबाखू याचं जर आपण सेवन करत असाल तर ते नक्कीच 100% बंद व्हायला पाहिजे. आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एक्झरसाईज. एक्झरसाईज ही नियमित असायला हवी. आठवड्यातले 5 दिवस मिनिमम रोज 45 ते 40 मिनिटं तरी एक्झरसाईज व्हायला पाहिजे. वेट लिफ्टिंग एक्झरसाईजेसचा हृदयासाठी फारसा फायदा होत नाही. आपल्याला हृदयासाठी जर एक्झरसाईजेस करायच्या असतील तर सायकल चालवणे, स्विमिंग करणे, चालणे किंवा ब्रिस्क वॉक ज्याला आपण फास्ट चालणे म्हणू शकतो, ह्या गोष्टींचा जास्त फायदा होतो. दिवसाचं जर बघायला गेलं तर 7,000 पावलं जर आपण चालू शकलो एका दिवसामध्ये तर हार्ट अटॅक येण्याचे चान्सेस हे 50% जास्त पद्धतीने कमी होतात. तर दिवसामध्ये मिनिमम 7,000 पावलं चालणे हे आपलं टार्गेट असलं पाहिजे आणि ते आपण नक्कीच पूर्ण कराल अशी माझी खात्री आहे. पुन्हा एकदा वर्ल्ड हार्ट डेच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आणि मी ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत त्याचा आपण विचार करावा आणि आपले जे स्टॅटिस्टिक्स आहेत ते एकदा आपण माहिती करून घ्यायला पाहिजे.